तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं यूवी रिएक्शन। तो दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो को रिएक्शन करने जा रहा हूं, ये बेसिकली एक सॉन्ग होने वाला है। और इस सॉन्ग का मैं आपको नाम बता देता हूं, जो कि बहुत से लोगों को पता भी चल गया होगा, क्योंकि 2-3 दिन तो हो गए हैं इस सॉन्ग को ऑन एयर हुए हुए। ये सॉन्ग है बेशर्म रंग। तो भाई, बेशर्म रंग सॉन्ग है और ये पठान का है। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं कि पठान का टीज़र अभी प्रॉपर नहीं, मतलब ट्रेलर अभी प्रॉपर नहीं आया, टीज़र ही आया था, उसके बाद ये सॉन्ग आ गया। तो ट्रेलर क्यों नहीं निकाला यार, ये मुझे बताइएगा आप लोग कमेंट्स में। तो उसके पहले हम इसके ऊपर रिएक्शन कर लेते हैं और मैं अपने हेडफोन लगा लूँ और स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात आपसे, कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो लेट्स जंप टू द वीडियो और लेट्स स्टार्ट। Tonight, life is complete. ये कौन सी लैंग्वेज है? स्पेनिश लग रही है शायद, मुझे कंफर्म नहीं है कौन सी लैंग्वेज है। दीपिका पाडुकोण, बेशर्म रंग कहां देखा दुनिया वालों ने। इसके बाद मैं एक बात करूंगा, हम अब देखते हैं इस गाने के बाद। ये स्पेनिश आई थिंक। पठान, अच्छा 25 जनवरी को आ रही है ये। अच्छा जी, डैट्स वॉट फॉर टुडे रिएक्शन वीडियो। और अगर मैं इसमें बात करूँ तो सबसे पहले जो है, ये मेरी फर्स्ट रिएक्शन होने वाला है किसी भी गाने के ऊपर। तो सेकंड में बात करूँ तो मुझे ये लगा कि शायद इसमें उसकी वाइब आ रही है कि हमें तो लूट लिया हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों में, इस तरह का कोई गाना था। मुझे अब याद नहीं आ रहा पूरा कि पाकिस्तान का ये इंडिया का है, मुझे उसका रीमेक लग रहा है तो अभी कंफर्म नहीं है। तो पर मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई कि पठान का ट्रेलर जो सा वो रिलीज़ करने से पहले उन्होंने गाना रिलीज़ कर दिया, और वो भी बेशर्म, और बाकी थोड़ी सी शर्म तो आ रही थी मुझे। तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन होने वाला है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम ना आए, इसलिए मैं छोटा सा करके यहाँ पे कहीं पे इसको लगाऊँगा। तो बाकी ये था, आपको इसमें ये गाना अच्छा लगेगा आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो ये है कि यार, आके जब आप वीडियो को देखते हैं तो कमेंट्स, लाइक, शेयर, इस तरह की चीज़ें काफ़ी लाजमी किया करें। और अगर रिएक्शन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से भी शेयर कर दिया करें। तो दोबारा मुलाकात होगी ऐसी किसी मज़े की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़।